दी है? दीपक। हाँ दीपक, आप यहाँ से डेली ऑफिस आते जाते हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं बस का, तो यहाँ से क्या समस्या आती है? रोड पर पेड़ है, पेड़ों से दिक्कत भी होती है सामने, तो बीच बीच में पेड़ पड़ जाते हैं, तो क्या होता है कई बार अगर एक बस जा रही है ना और कोई अगर उसको ओवरटेक करने की कोशिश करो एकदम से पेड़ आ जाए, तो दिन में तो आप देख लोगे लेकिन रात में एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा है उसमें। एक्सीडेंट भी होते हैं? एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ इब्राहिमपुर मोड़ पे एक ट्रक की वजह से, क्या हुआ था वो बाइक मोड़ रहे थे बंदे और एकदम से ट्रक आ गया, स्पेस ही नहीं था तो वो भी नहीं कट कर पाए तो वो नीचे आ गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये अक्सर ऐसे हादसे होते रहते होंगे रात में? होते रहते हैं, यहाँ भी हुआ था एक साइकिल वाले का केशव नगर में और इब्राहिमपुर में, काफी होते रहते हैं और रात के समय तो बहुत ही खतरनाक है। अभी जैसे आपके पीछे एक पेड़ है, पूरा सड़क पर है, सड़क छोटी है, ऑलमोस्ट सामने देख के साइड में आप सामने देख के तो आगे वहाँ पर आगे जाकर और बीच में भी बहुत सारे पेड़ मिलेंगे आपको, उस केस में एक्सीडेंट के रात में बहुत ज्यादा खतरे हो जाते हैं क्योंकि ट्रक वाले तो आपको पता है कैसे चलाते हैं और अगर कोई उसको ओवरटेक करने की कोशिश करे तो इस पेड़ से टकराने का बहुत खतरा ज्यादा रहता है। तो कितना लंबा रास्ता है यहाँ से वहाँ तक जाने में जो परेशानी का लोग सामना करते हैं? काफी लंबा है यहाँ से, मतलब 6-7 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से हिरनकी का पूरा ऐसा ही है और बीच में कोई मतलब पुलिस वाले भी नहीं दिखेंगे आपको, कोई मार के भी चला जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पड़ा रहता है बंदा यहाँ, ऐसी कोई पीसीआर की सुविधा भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एक तो जब हम बुराड़ी बाईपास से आते हैं संत नगर तक तो वहाँ पोल बहुत ज्यादा है और ट्रांसफार्मर भी, तो पोल और ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए ऑलरेडी NDPL ने एस्टिमेट दिया था और हमारे जो PWD ने ऑलरेडी 4 करोड़ रुपए का एस्टिमेट सैंक्शन किया था, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे डिपार्टमेंट को, तो उसको लेकर आज से हमने एक महीना पहले दौरा किया था जिसमें ये पहले ये था कि हम इंटरनल डालेंगे उसको, लेकिन ये लगा कि हम लोग संत नगर के बाद फिर बाहर में ही पोल है, तो हमने कहा कि अगर मान लो आगे हम अंडरग्राउंड नहीं कर सकते क्योंकि कई सारे केबल्स पहले से ही है, हमने कहा फिर बाकी पोल को भी आप, खर्चा हमारा कम हो जाएगा तो बाकी पोल को भी आप नाले के साथ ही कर दो, तो वो NDPL ऑलरेडी काम कर रही है, 2-3 महीने में और हमारा कंप्लीट बना के दे देगा, तो जो PWD कहना था हमारे पास फंड ऑलरेडी रेडी है, जो भी एस्टिमेट आएगा हम कर लेंगे। दूसरा पेड़ की बात है तो रोड चौड़ा करने के लिए मैं बताऊँ आपको, 3 फेज में रोड को चौड़ा कर रहे हैं, एक हमारा बुराड़ी बाईपास से लेकर बुराड़ी तक का है जो एक तरफ काम हो चुका है, दूसरी तरफ काम होना है, दूसरा बुराड़ी बाईपास से लेकर के फिर बुराड़ी मोड़ से लेकर के फिर कौशिक तक का है और इसमें ड्रेन भी है, क्योंकि जो आप थाने के पास मिसिंग लिंक ड्रेन है तो ड्रेन को ठीक से बनाना और दोनों तरफ सड़क बनाना, इसमें 3 लेन दोनों तरफ हम बनाने जा रहे हैं, तो 3 लेन में जहां जहां भी पेड़ आ रहे हैं या ट्रांसफार्मर आ रहा है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। पेड़ के लिए आज से 6 महीने पहले ही हमने फॉरेस्ट में अप्रूवल के लिए कटने का अप्रूवल हमने के लिए भेज दिया था, वो आजकल कर रहे हैं, आशा है कि हमें आने वाले 1-2 महीने में सैंक्शन मिल जाएगा, हमारे पास फंड रेडी है, जो ही सैंक्शन मिल जाएगा फॉरेस्ट से हम काम शुरू कर देंगे।